हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। आप ये देख रहे हैं आज बैग, एक्चुअली सिद्धि का बैग है, मैं ले लिया हूँ। और सिद्धि वहाँ पे आ रही है। अच्छा बेटा, और सिद्धि को स्कूल ड्रॉप करने के बाद मैं चला जाऊँगा वेजिटेबल्स लेने, क्योंकि आज वेजिटेबल्स भी बहुत खत्म हो गए हैं। ओहो, गिर जा रहा है। आ जाओ। हाथ दर्द हो रहा है? अरे नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ, तुम्हारा हाथ ठीक कर दूँ मैं, आ जाओ। और सिद्धि को स्कूल छोड़ने के अंदर मुझे थोड़ा सा एक अलग सा लगा, उनका बचपन बड़ा डिफरेंट हो गया है। पहले क्या होता था कि हम जब स्कूल जाते थे तो सबके मम्मी पापा एक साथ सब बच्चों को छोड़ रहे स्कूल, तो लोग भी हंसते खेलते हम सब ऐसे ही स्कूल पहुंचते थे। लेकिन आज के जमाने में सब इंडिविजुअली एक ही करके स्कूल पहुंचते हैं। उनका बचपन भी एक लेवल एडवांस हो गया है। जैसे पहले हमारे जमाने में था, बड़ा थोड़ा स्लो सा चलता था, हर कोई माहौल, हर चीज़ थोड़ा स्लो सी थी, लेकिन अब थोड़ी फास्ट हो गई है। तो फास्ट पेस लाइफ में उनके बचपन भी एक लेवल एडवांस हो गया ऐसा लगता है मुझे। लेकिन हमारे बचपन में क्या था कि हम सब मिलजुल कर एक साथ स्कूल जाते थे सब लोग, तो खैर ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। चलो आगे काम करते हैं। इनको रखता हूँ बड़े से झोले में सब। अच्छे मस्त वाले गाने लगाता हूँ, गाना लगाते घर पहुँच रहा हूँ। अरे यहाँ से ज़्यादा 10 मिनट्स भी नहीं है मेरा घर, फिर भी मेरे को गाना सुनने का बहुत आदत है। आरू तो बहुत परेशान हो जाती है, मेरी इस आदत से हुई थी तुमको यार, कार में जब भी जाते हो तुम्हें गाना ही सुनना होता है। पहले तो गाड़ी पार्क करने में बहुत तकलीफ होता था मुझे, लेकिन अब मैं ना कॉन्फिडेंटली पार्क कर लेता हूँ मैं। लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर अभी भी प्रॉब्लम हो ही जाती है। लक्ष्य को हर हाल में पाना है, ये गाना मैंने सुन लिया, अब मेरे दिन भर ये गाना रहेगा। एक्चुअली जनरली क्या होता है ना, जब भी सुबह सुबह कोई गाना सुनते हो ना आप, तो वो पूरे दिन भर वही गाना आपके दिमाग में बना रहता है। ये यही वही है जो आर्गेनेटिक टेस्ट में आती है। आना नींबू पानी, सुबह सुबह नींबू पानी पी रहे हम लोग। ये गर्म है ना, ठंडा ही ऐसे कर दियो। 2 रुपये गिलास। 2 रुपये गिलास मैं लाऊं और तुम मुझे बोलो 2 रुपये गिलास? 5 रुपए का नींबू, 2 रुपए गिलास। दिमाग है अब नींबू पानी बनाने में, अब पूछ रही है मटर। इसको मैंने सरप्राइज देने कहा था, इसने पहले ही झोला वाला खोल लिया मैंने, देखो पूरा। अच्छा क्या पूछ रहे हो बता दो। अभी पूछने कितने रुपए किलो मिला? 80 रुपीस किलो है, गांव वाला ही रेट है। हां एक्चुअली 79 रुपीस केजी है, और रिलायंस का सस्ता मिला। हां वो इस थोड़ा सस्ता रहता ना वहां पे, खास मटर नहीं है। ओके मिक्स है दोनों उसमें। अब गहराई से निरीक्षण करेगी हमारी बोटानिकल एक्सपर्ट। भाई मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ बाइक से पीछे जाता हूँ उसको। और मेरी यहाँ पे स्टडी चल रही थी, अब ये तो मैं यहाँ पर बैठ के पढ़ रहा था। मैं एक्चुअली डेटा सेंटर में काम करता था, राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो हमारा की चीज़ है वो पढ़ रहा था मैं, उसको रिवाइज कर रहा था। मैंने यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाया हूँ, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है कि वो लेके आ पाएगी। देखो जा रही है, देखो अल्ता पे चारू आराम से जाना, कुछ लगे तुरंत फ़ोन कर देना, फ़ोन मोबाइल नहीं हो ना। एक्चुअली हारू को आज मैं पहली बार अकेले छोड़ रहा हूँ कार के लिए। एक्चुअली वैसे भी मैं साथ में लेके जाता था, चलाता था, लेकिन आज वो कह रही मैं अकेले जाऊँगी ताकि थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, हमेशा साथ में रहते तो थोड़ा सा मैं उसका सपोर्ट करते रहता हूँ। क्योंकि जब तक वो अकेले नहीं चलाएगी ना, तब तक वो कर नहीं पाएगी या उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होगा। अगर साथ में रहता हूँ तो हमेशा उसको लगता है कि मैं सब सपोर्ट कर दूँगा, गाड़ी रोक लूँगा सिटी के स्कूल के आसपास, और यही चुपचाप खड़ा रहता हूँ ताकि आरू को मालूम ना पड़े कि मैं आ गया हूँ। और देखता हूँ कैसे वो गाड़ी ड्राइव कर रही है, कितना कामली, कितना पेशेंस से ड्राइव करती है। मैं टेस्ट कर रहा हूँ उसका आज, और कहीं और मुझे कभी ऐसा भी लग रहा है कि मैं स्पाई कर रहा हूँ उसके ऊपर, उसको नज़र रख रहा हूँ, जासूसी कर रहा हूँ कि कर क्या रही है वो। नहीं मेरी गाड़ी वहाँ पर, वो देखो ब्लू वाली गाड़ी दिख रही है, ब्लू वाली गाड़ी वहाँ पर खड़ी है। आरू को टर्न पर थोड़ा मुश्किल होता ना, तो टर्न पर खड़ी है। Hi guys! तो कार फाइनली सोसाइटी में पहुंच गई सक्सेसफुली, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। कैसा एक्सपीरियंस, कितनी बार गाड़ी बंद हुई, क्या लगा, कैसा लगा? ये बस इसके चक्कर में इधर ही बंद हुई और कहीं नहीं बंद हुई थी। अच्छा तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं एक्चुअली क्या, मेरा एक्चुअली दिल नहीं मान रहा था, मैं अभी मुड़ना था नहीं, इधर उठो से ट्रक आ रहा, मैं कहा जल्दी से निकलते हो नहीं आ जाएगा वो।
लेकिन मेरे दिल में आ नहीं रहा था, मतलब चलो थोड़ा पीछे सपोर्ट रहेगा तो अच्छा लगेगा इसको। भरोसा नहीं है तुम पे, एकदम जरूर पीछे पीछे आओ जरूर। अच्छा मेरे को लग रहा था कहीं ना कहीं बाइक लेकर बहुत मजा है। भूख लगी है, प्यास लगी है, पानी दो यार, पानी पियो पहले मैं। गुड, खा लो, लेकिन खाना भी खाना है उसके बाद। हाँ, सो आज खाने में बना है निमोना, रागी की रोटी, चावल और छाछ। तो निमोना, ए निमोना को क्या बोलते हैं? और अब मटर का सीजन आ गया ना, दिन रात अब यही चलेगा, मटर का निमोना, मटर का सब्जी, मटर पनीर, मटर रोटी। सिद्धि, उसको डांस किया? नहीं। व्हाई? तन्वी। आपने क्यों नहीं किया? मैंने नहीं किया। इसको सोसु आ गए, इसलिए डांस ही नहीं हुआ इससे। बताओ भाई। कर लिया पापा। चार्जिंग पे लगा देते हैं। कहाँ गई? वो जादू की पुड़िया है, घूम जाती है। बैक टू स्टडी अगेन। चलो भैया लगाते हैं अपना ये चेयर। आई एम स्टडीइंग बेटा। हाँ, आपने तो कल तोड़ा था। ये तो कैसा मुंह बना रही है, कल तोड़ के और मुझे बोल रही है कैसे टूट गया। सापना रे। हाँ। इससे क्या होगा? ये छिलते अब हो जाएगा। तो हो जाएगा। हाँ। तो फिलिकने के लिए बन जाएगा। हाँ। अच्छा जी, चलो कर दो भाई सॉफ्टनर, कर दो मेरे पेंसिल को। हाथ में दे दो मेरे। सिद्धि का सबसे फेवरेट और पसंदीदा काम सॉफ्टनर करना। बस हो गया रहेगा अभी बस। ओ देखो, चलो बैठ के होम फन करो। चलो बस बेटा। हाँ हो गया, बस 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 रख दो। हाँ। थैंक यू। अभी चलो होम फन कर लो स्कूल का, ठीक है? हाँ। तुम होम फन करो, मैं यहाँ स्टडी करता हूँ अपना। ओके डन। सिद्धि तुम क्या पढ़ रही हो? सिद्धि मेरा टॉपिक पढ़ रही है ओएसबी बीजेपी राउटिंग प्रोटोकॉल। इंजीनियर नहीं बनना है सिद्धि। देखो ये क्या है मम्मी। मम्मी से इंजीनियर नहीं बनना है तुम्हें। आरो को पीछे डिस्टर्ब हो रहा है कि क्यों तुम लोग कैसे ब्लॉगिंग और ये सब कर रहे हो, मुझे सोने दो। सिद्धि ब्रिक्स बन रहा है, ब्रिक्स बना रहे अंकल लोग। यह माउंटेन बनाएगी बॉय। ब्रिक्स से माउंटेन थोड़ी बनता है, स्टोन से बनता है। हाँ ना, हाउस। आरु को नींद आ रहा है लेकिन पीछे पीछे ध्यान दी जा रही है चद्दर के अंदर से। सो बिलो इज माय चाय, अभी रेडी हो गई है। लेकिन चाय के बारे में एक्चुअली आज एक पढ़ रहा था मैं, मतलब चाय के बारे में नहीं पढ़ा था, कुछ और टॉपिक्स पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते वहाँ पे लिखा था कि कहीं चाय की आदत मुझे प्रधानमंत्री ना बना दे। तो कितनी अच्छी टैग लाइन थी, मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा। तो अभी याद आ गया वो, ऐसा प्रधानमंत्री रहेगा, शादीशुदा रहेगा, बीबी रहेगी, बच्चे रहेंगे। क्या पासवर्ड है, भूल गई लो। चलो याद रखो, अभी आरू एडिटिंग का काम करने जा रही है, मैं इधर बैठ के चाय पीने जा रहा हूँ। खैर दो कप है तो वो भी पिएगी, उसके बाद वो एडिटिंग करेगी। देख लो एक बार। क्या देखो? कैमरे में देख लो कितनी अच्छी लग रही है आज। हाँ देख लिया, सोई सोई लग रही है, खोई खोई लग रही है, बहुत ठंडा लग रहा है। मैं ये तो जर्किन ले लिया है, अच्छा ठंडा हो गया। और हमारे रोड पे देखो जितनी लाइट दिख रही, स्ट्रीट लाइट सब खराब हो गई, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक सब जगमग जगमग कर रही है। पहले आया तो ऐसे लगा कि भैया लग रहा है कि कुछ मेरे आँखों में प्रॉब्लम हो गया, कब लैपटॉप पे काफ़ी देर से काम कर रहा था, ऐसे लगा आँखों में कुछ खराबी हो गई, आँखों में ऐसा कुछ झुलमिल झुलमिल हो रहा है। फिर इधर आके फिर बाद में मैंने आरू को भी पूछा, अरे आरू क्या है ये? तो आरू ने बोला, अरे यार लग रहा है मैं स्ट्रीट लाइट खराब हो गया है। वो पूरा गई, वो भी एक नहीं, मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा स्टार्ट लेके एंड तो एक साथ ही पूरी स्ट्रीट लाइट खराब हो गई है। यहाँ पर खड़ी है ए बदमाशी, खोल ना खोल। जैसे ही मैं यहाँ पर बालकनी में थोड़ा हवा या रिलैक्स करने आता हूँ, हवा लेने फिर रिलैक्स करने आ गया ना बालकनी में, तो तुरंत बंद कर देती। भाग गई, देखो भाग गई। विंडो बना रही हूँ। विंडो बना रही हो? नहीं। और यहाँ पे पानी गिरेगा यहाँ से, ऐसा कुछ तो वाटरफॉल टाइप में बनाई है, यहाँ पानी गिरेगा, कुछ तो इन्वेंशन करने वाली है। और आरू बिग बॉस देखते देखते यहाँ खाना भी बना रही है। फ्रेंड्स आज हम दोनों ने मैचिंग मैचिंग कपड़ा पहना है, आज हमने बहुत सारी पोयम भी सुना और सिद्धि ने मुझे सुनाया भी। और हमारे घर में देखो पीछे बिग बॉस का आवाज़ आ रहा है, बिग बॉस में अर्चना है ना बहुत चिल्लाती है, उसका आवाज़ फटे बांस की तरह आते रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू।